हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ कीवर्ड्स यूनिट 2 के बारे में। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। आपका जो कंसेप्ट है यूनिट 2 के रिगार्डिंग, वो पूरा कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या चीजें आपको एक तरीके से याद रखनी है जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। राइट, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्टली आप हमसे हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जाम्स के लिए बनाए जाते हैं। और काफी नॉमिनल सा फी है, एक 1500 रुपए का फी है जो कि आपको करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों का ही वही चार्जेस है, आप चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन अभी 1-2 महीने पहले करवाया हुआ है, तो या फिर 2-3 महीने 4-5 महीने भी अगर आपने पहले कराया है, तो आप ट्यूशन हमारे पास से ले सकते हैं, जहाँ पे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ट्यूशन्स का जो है फी लगेगा, जो कि है 300 रुपीज पर मंथ। ठीक है, आप जब भी ज्वाइन करेंगे वहां से आपको 300 रुपीज पर मंथ लगेंगे, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कीवर्ड्स ऑफ यूनिट 2। सबसे पहला है चेन ऑफ कमांड। ठीक है ना, इसको थोड़ा कलरफुल कर लेता हूँ। चेन ऑफ कमांड हम किसे कहेंगे ये समझ लेते हैं। सो द लाइन ऑफ अथॉरिटी रनिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड, है ना। तो जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल अथॉरिटी टॉप से स्टार्ट होकर के एंड तक जाती है। सपोज मैं मैनेजर हूँ, मैंने कोई बात बोली कि भाई आज ये काम होगा, इस तरीके से काम होगा, मैंने कोई कमांड दिया, वो कमांड जो है मेरे नीचे वाला जो व्यक्ति है और उसके नीचे वाला जो व्यक्ति है और सबसे नीचे जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है, राइट, सब तक सेम कमांड पहुंचेगी कि भाई सर ने कहा है कि आज ये काम होना है। ठीक है ना, तो चेन ऑफ कमांड का मतलब वही है कि जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप से लेकर के जो बॉटम है ऑर्गेनाइजेशन का वहां तक वो रन करती है। नेक्स्ट है पॉइंट डिपार्टमेंटेशन। सो ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन सम वेल डिफाइंड बेसिस, है ना। डिपार्टमेंटेशन का काम मतलब होता है कि एक तरीके से ग्रुपिंग तैयार करना जो वेल डिफाइंड बेसिस है उनके लिए, है ना। कि सपोज आपने कोई काम करना है, उस चीज के लिए आपने डिपार्टमेंट तैयार करवा दिया कि भाई आप इस काम को करोगे, आप उस काम को करोगे, हर एक काम के लिए आपने डिपार्टमेंट तैयार करवा दिया, है ना। तो एक्टिविटीज को आपने ग्रुप कर दिया और उसके बेसिस पे आपने जो जो भी एक्टिविटीज है उसको ठीक तरीके से डिफाइन करके आपने ग्रुपिंग कर दी। तो ये जो ग्रुपिंग है यही एक किस्म की डिपार्टमेंट तैयार हो जाती है। अगला है डिफरेंशियल पीस रेट। पीस रेट क्या होता है? सो पीस रेट्स ऑफ वेजेस व्हिच अप्लाई डिफरेंटली टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। सो डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब हो गया कि एक किस्म का रेट जो कि अप्लाई होता है दो तरह के लोगों पे, एक तो हो गया एफिशिएंट लोगों पे और दूसरा हो गया इनएफिशिएंट वर्कर्स पे, है ना। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट जो है उनके ऊपर अप्लाई होगा, जो जितना बेहतर काम करता है उसको उतना रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है ना, सो डिफरेंशियल पीस रेट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो अ प्लान्ड स्ट्रक्चर व्हिच रिप्रेजेंट द ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स सेक्शंस यूनिट डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, है ना। तो एक प्लान्ड एक तरीके का स्ट्रक्चर जहां पे हर एक चीज जो है ऑफिशियली किसी ना किसी पैटर्न के तहत काम कर रही है, वो पैटर्न जो है रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ग्रुप सेक्शंस यूनिट्स डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स, और ये सारे चीजें जो है मिल करके एक प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत काम करती हैं और चीजों को अच्छे तरीके से करते हुए जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करती हैं। सो इसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगला है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप किसे कहेंगे? सुपरविजन ऑफ वर्क बाय डिफरेंट स्पेशलिस्ट फोरमैन, है ना। तो जो सुपरविजन ऑफ वर्क होता है बाय द डिफरेंट फोरमैन, है ना, जो स्पेशलिस्ट फोरमैन होते हैं उनके द्वारा जो डिफरेंट सुपरविजन ऑफ वर्क होता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। अगला पॉइंट है हाउथोर्न स्टडीज। हाउथोर्न स्टडीज का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट वर्कर्स ऑन द शॉप फ्लोर फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, है ना। सो हाउथोर्न स्टडीज का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने काम को ठीक तरीके से कर सकें और जो उनका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो पाता है,
ठीक है. सो हाउथोर्न स्टडीज का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट वर्कर्स, है ना, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं ऑन द शॉप फ्लोर, है ना, ताकि जो उनका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड हो सके या इम्प्रूव हो जाता है. ठीक है. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, सो मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज विद अ सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरनमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है बाय सेटिस्फाइंग देयर वर्क एनवायरनमेंट, है ना, जो उनका वर्क एनवायरनमेंट है वो उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है, उनका जो सोशल या साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको अगर वो ठीक तरीके से पूरा करवाता है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट होते हैं बिटवीन द मैनेजर एंड द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज का लोअर लेवल एम्प्लॉइज के साथ ही ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो है एक तरह का क्रिएट होता है, जब वो लोग आपस में यू नो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं और उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स जब उनकी पूरी होती है. ठीक है. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स. सो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि एक नेटवर्क, एक तरह का नेटवर्क, एक रिलेशनशिप जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, और वो इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि वो अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को एक तरीके से स्पॉन्टेनियसली यूज कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिसे हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं. मोशन स्टडी, नाउ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब सो एज टू एलिमिनेट वेस्टफुल मोशंस एंड डिसाइडेड ऑन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. सो मोशन स्टडी का मतलब हो गया कि एक तरह का ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप मूवमेंट जो आप कर रहे हो उसको एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके मूवमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वेस्टफुल हैं, उनको किस तरीके से इरेडिकेट या फिर एक तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है ताकि आपका जो मोशन है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी बेहतर हो सके. सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, है ना, तो ऐसे मूवमेंट जो कि किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन ताकि आप एलिमिनेट कर सको वेस्टफुल मोशंस को एंड डिसाइड ऑन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. आप ये डिसाइड कर सको कि उस काम को आप किस तरीके से करोगे, है ना. सो दैट इज व्हाट मोशन स्टडी इज. नाउ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन प्लेस ऑफ द रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि साइंटिफिक मेथड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए. यहाँ पे आप रूल ऑफ थंब या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल ना करके आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करोगे, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करोगे, तो हम उसे कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट. अ वेरी सिंपल पॉइंट टू रिमेम्बर. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. सो द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है ना, तो सपोज कोई एक मैनेजर है उसके अंदर पांच लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो पांच लोग जब काम कर रहे हैं तो मैनेजर उनको ठीक तरीके से मैनेज कर पा रहा है. सपोज अब पांच की संख्या बढ़ा करके सात कर दी गई तो मैनेजमेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, मैनेजर को, वो ठीक तरीके से उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है. तो जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो पांच ही होना चाहिए था, पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए था. सो द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. स्ट्रक्चर, Now, what is structure? A framework of relationship among parts, है ना? तो एक तरह का framework जो कि parts के बीच में relationship को define करता है, बताता है कि भाई किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, है ना? तो एक framework उसी हम कहेंगे structure. Systems किसे कहेंगे? And management and set of relationship among multiple parts operating as a whole. Systems का मतलब हो गया एक तरह का arrangement, एक set of relationship among the multiple parts. डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो एक अरेंजमेंट होता है, जो सेट ऑफ रिलेशनशिप होती है एज ए होल, उसे हम कहते हैं सिस्टम्स. आई होप कि आपको समझ में आ गया. सिस्टम्स अप्रोच किसे कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एज ए बैलेंसिंग एंड इंटीग्रेटिंग सिस्टम. राइट, आप अपने मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपने चीजों को आप बैलेंस कर पा रहे हो, इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपने सिस्टम को, इसको हम कहेंगे सिस्टम्स अप्रोच. सिस्टम्स अप्रोच का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट को ठीक तरीके से समझना, वहां पे बैलेंसिंग और इंटीग्रेटिंग सिस्टम के काम के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना, दैट इज व्हाट सिस्टम्स अप्रोच इज. टाइम स्टडी, सो टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज एंड मेजर द टाइम टेकन इन डूइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ जॉब इज कॉल्ड टाइम स्टडी. टाइम स्टडी में आप ये स्टडी करने की कोशिश करते हो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय लगा है
है ना। तो यहाँ पे आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो टू मेजर द टाइम दैट यू हैव यू नो इन्वेस्टेड टू कंप्लीट अ जॉब, है ना। सो इसको हम कहेंगे टाइम स्टडी टेक्निक यूज टू एनालाइज एंड मेजर द टाइम टेकन इन डूइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब इज कॉल्ड टाइम स्टडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी वन टू रिमेंबर। यूनिटी ऑफ कमांड किसे कहेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट बींग अंडर वन सुपरविजन सुपरवाइजर, है ना। तो जो प्रिंसिपल होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट किसी एक सुपरवाइजर के अंडर ही काम करेंगे, तो उसे हम कहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। देखो जब सारे लोग एक ही यू नो मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको साथ सबको जो है एक ही कमांड फॉलो करना होता है, यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हो गया कि जो भी कमांड मैनेजर एक तरीके से देगा उसमें यूनिटी होगी, हर एक लेवल पे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। तो दिस इज व्हाट यूनिटी ऑफ कमांड इज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।